स्मार्ट सिटी धर्मशाला के रामनगर में गत दिनों एक गाय सड़क के किनारे से नाले में जा गिरी। भूखी प्यासी रात भर बारिश में गाय 15 घंटे वहीं फंसी रही। सुबह गाय को क्रांति एनजीओ के संस्थापक धीरज महाजन के द्वारा निकालने की कोशिश की गई और उसे निकाला गया। वहीं इसके बारे में अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों की भी मदद ली गई। इस गौ माता को ऊपर से खींचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसमें धीरज महाजन व अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की और बाद में सफल रहे। क्रांति एनजीओ के संस्थापक धीरज महाजन ने कहा कि अपने आसपास के बेसहारा पशुओं की मदद जरूर करें। उन्होंने कहा कि इस तरह किसी बेजुबान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाने का आनंद ही कुछ और होता है। इस मुहिम में क्रांति एनजीओ के संस्थापक धीरज महाजन और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी शिवचरण दास, अशोक कुमार, एसपीएस राजेंद्र ने बढ़ चढ़ कर काम किया। राजनीतिक मुद्दा बन के रह गई तो कभी धार्मिक मुद्दा बन के रह गई, लेकिन गाय को वो दर्जा मिल ही नहीं पाया जो हिंदू संस्कृति में गाय का था। कोई वक्त था जब भारत एक विश्व गुरु था, वो इसलिए क्योंकि हर घर में गाय को पूजा जाता था, हर घर में एक गाय थी और आज सड़कों पर ही गाय नजर आती है। क्रांति एनजीओ को जब पता चला कि एक गाय भूखी प्यासी पिछले 15 घंटे से एक सड़क के किनारे नाले में गिरी हुई है और उसको कोई मदद नहीं मिल पा रही, उसी वक्त क्रांति एनजीओ अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर हमने गाय को बाहर निकाला। काफ़ी मुश्किल था ये कार्य, लेकिन हमने कर दिखाया। और हमारा मैसेज सभी को यही होता है कि हमारी अनदेखी की वजह से जाने कितने जानवर हर साल मर जाते हैं, तो कृपया अपने आसपास के जानवरों पर ज़रूर ध्यान दें जिनको इलाज की सख्त से सख्त जरूरत है।